नमस्कार दोस्तों, आर्यस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है। जितनी लंबाई रखना है आपको, एक इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच लिया है। गले की चौड़ाई का निशान 3 इंच पर बनाएंगे। उसके बाद 11 इंच लेंगे और इस तरह से गले का निशान कर लेना है। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच की इस तरह से गुड़ाई देते हुए नीचे की तरफ निशान कर लिया है। अब इसे कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद कपड़े की सीधी वाली तरफ इसको रखना है, लाइनिंग वाले कपड़े को। और देखिए, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पर अब सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर एक पिन लगा देंगे, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो गले पर सिलाई लगाया और नीचे की तरफ भी लगा दिया। उसके बाद देखिए, कट करना है। यहाँ भी कट करके कट लगा देंगे। उसके बाद ऊपर गला भी कट करना है। तो इस तरह से गले को कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया। पूरे गले पर कट लगा देना है। कट लगाने के बाद इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए, इस तरह से पलटने के बाद गले के ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। तो गले पर सिलाई लगाई, अब साइड से भी सिलाइयाँ इस तरह से लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा जहाँ पर ज़्यादा आएगा, इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरह कट किया। आप इस पर देखिए, इस पर अब डिजाइंस जो आगे की बनानी है, उसके लिए हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। अब यहाँ पर कट करेंगे। तो इस तरह चौकोर कट किया है, 2.5 इंच का। अब इस तरह से सीधा कपड़ा कट कर लेना है। इससे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा देंगे किनारे से। तो ये सिलाई हमने देखिए इस तरह से लगा ली है। इसके उसके बाद हमें कट कर लेना है 2-2 इंच का, और इस वाले कपड़े को लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। उसके बाद ये वाली पट्टी लेना है जो कट की है, इसको यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह की सारी डिजाइनें इसी तरह से बना लेना है। अब देखिए, गले पर इसको लगाना है। तो इस तरह से लगाएंगे। बराबर से, एक बराबर से देखिए रखते हुए सिलाई लगाना है।
तो ये हमने लगा लिया। अब इस पर एक सिलाई और डाल देंगे थोड़ी दूरी से। तो ये डिजाइन इस तरह लगा दी है। ऊपर हमने छोड़ दिया है 4 इंच, ऊपर से 4 इंच छोड़ने के बाद इस तरह की डिजाइन इस तरह से लगानी है। अब यहाँ पर 1.5 इंच का चौकोर कपड़ा लिया है और इसी तरह से इसको भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। ये डिजाइन नीचे जो हमने कट रखा है तो पूरे पर लगाएंगे। तो पहले प्लेट इसका डाल देंगे, उसके बाद लगाएंगे। तो ये दोनों प्लेट हमें डाल देना है पहले बराबर से, उसके बाद पूरे के लिए इसी तरह से डिजाइन जो हमने बनाई बनाकर तैयार कर लेना है, उसके बाद लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे और पूरे पर एक बराबर से रखते हुए लगा लेना है। तो इस तरह इसके इसे लगा लिया है। उसके बाद इस पर देखिए एक सिलाई और डाल देंगे, डबल सिलाई डाल देंगे। अब ये हमें डोरी लेना है, गोल्डन डोरी इस तरह से ले लेंगे और देखिए इन डिजाइनों में इस तरह से डालनी है। अब गले की जितनी चौड़ाई है उतना फैला लेना है, पूरे में इसी तरह से डालना है। तो हमने पूरे में डाल लिया है। अब लास्ट में दोनों पर पकड़ कर सिलाई लगा लेना है और ऊपर दो एक इस साइड के डिजाइंस जो पहले डिजाइंस है उस पर भी डोरी को पकड़ कर सिलाई लगा लेना है और नीचे भी। उसके बाद इस पर देखिए इस तरह से लटकन लगा देंगे, बनाकर लगाएंगे। तो देखिए इस तरह लटकने कपड़े की इस पर लगा लेना है दोनों डोरी पर। इस तरह से लटकन लगा देंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर बांध देना है। तो हमने दोनों पर देखिए इस तरह लगा लिया है, दोनों डोरी पर लटकन लगा दी है। अब यहाँ पर डोरी को इस तरह से बांध देंगे, थोड़ी सी बड़ी रखी है डोरी ताकि यहाँ पर बांधने के लिए भी रहे। तो इस तरह से इसे बांध दिया है, डिजाइन्स बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।